दोस्तों अभी यहाँ से जी हमने ट्रैक्टर गुजारा है और आगे जो है ना यहाँ पे डिस्कें फेरने लगे हैं ज़मीन में। आज का माहौल माशाल्लाह जो है ना मौसम का बहुत ही प्यारा है, ठंडी हवा भी चल रही है। अभी मौसम जो है ना काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है, पहले थोड़ी ज़्यादा गर्मी होती थी लेकिन अभी कम हो गई है। अभी जी ये इसकी सेटिंग करने लगे हैं, इसको कितना खोलना है और ये ऊपर इसके ना पिन लगी होती है वो निकाल दी हमने, जैसे ही जो है ना एडजस्ट हो जाएगा। अभी ये पिन यहाँ पे एडजस्ट करनी है। अच्छे अभी यहाँ ये अभी एडजस्ट कर दिया इसको भाई जो अभी है ना इसको मार देते हैं। मेरा जो अभी ये काम है ये थोड़ा कचरा पड़ा है यहाँ पे, अभी साथ में कुछ एक टूल भी लेके आया हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो कचरा पड़ा था उसको मैंने उस साइड में शिफ्ट कर दिया है क्योंकि इसमें नमी है ज़्यादा, तो इसलिए आग नहीं लग रही। अभी जो है उस साइड में कुछ पड़ा है और इसको क्योंकि यहाँ पे पहले ना तेल की फसल थी तो उसकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हार्वेस्टिंग हो गई है, तो और आज जिसके लगा रहे हैं बाद में एक दूसरी फसल जो है ना फिर काश्त करेंगे कुछ दिन रुकने के बाद, क्योंकि अभी जो मक्की का मौसम तो चला गया है और चावल का भी चला गया है, तो फिर अभी आगे मटर आने वाले हैं, तो मटर के लिए जो है ना इसको इंशाल्लाह तैयार करेंगे। और ये देखिए जी ये तिल का जो है ना पड़ा हुआ है कचरा, इसमें से जो तिल निकाला जो तिल इसमें से निकाल लिया और जो बाकी था उसको इधर ऐसे ही जो है ना फेंक दिया खेतों में। अभी भाई बोलते हैं कि उस साइड में ना एक दरख्त है और उसकी जो है ना टहनियाँ वो नीचे हैं, तो उसमें से कुछ काटनी पड़ेंगी और उसको काटेंगे तो फिर जो है ना सही तौर पे जो है ना वहाँ पे दिखते हैं ये ट्रैक्टर गुजर जाएगा। तो अभी उसके लिए जी कुल्हाड़ी का बंदोबस्त करना पड़ेगा, तो अभी कुल्हाड़ी लेते हैं और फिर जाकर उसको काटते हैं। ये वाली साइड जो है ना अभी बाकी है, इस साइड से ट्रैक्टर सही आ रहा है लेकिन ये वाली साइड से ना मुझे ये टहनी उतारनी पड़ेगी ताकि जो है ना प्रॉपर तौर पर जो अपना कर बना सकें। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी यहाँ से कटिंग कर दिया इसको और ये शाखें पड़ी हैं, अभी इसको एक साइड में रखती हैं उधर ऊपर या इधर नीचे, तो हमारा जो रास्ता है ना ऑलमोस्ट अभी क्लियर हो गया। यहाँ पर भी थी पहले पौधे थे लेकिन वो गिर गए, बाद में जो है ना उसकी फिर उसको काट दिया हमने, ये फिर उसकी जड़ों से जो है ना पौधे निकले हैं ये सारे। ये आगे तो वो मेन शाखें हैं और ये वाली जो है ना सिर्फ ये जड़ों में से निकली हैं ये सारे, इसलिए ये इतनी ज़्यादा घनी है बहुत ज़्यादा। दोस्तों ये वाला काम तो हमारा कम्प्लीट हो गया और अभी मैं आपको थोड़ी माशाल्लाह इसकी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ ट्रैक्टर की। 240 जो इसकी पीछे डिस्कें हैं वो 7 हैं, पहले मैं भूल गया था 8 है लेकिन 7 है टोटल, और माशाल्लाह इसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। और ये देखिए ज़मीन कितनी बिल्कुल नरम कर दी है इसे। ये हम क्यों फेर रहे हैं ताकि इसमें जो ये घास आपको नज़र आ रहा होगा ताकि ये बाद में जो ये अभी खुश्क हो जाएगा और खुश्क होने के बाद जो है हम यहाँ पे ना इसको मदीद जो नेक्स्ट फसल है उसके लिए हम इसको रेडी कर देंगे। अगर ये इसी तरह पड़ा रहे और पानी इसको लगता रहेगा तो फिर ये इसकी जो जड़ें होती है ना ये ज़मीन के अंदर ज़्यादा दूर तक फैल जाती हैं और जिससे ना फिर फसल अच्छी नहीं होती, और हम जो खाद वगैरह या जो भी केमिकल लगाते हैं वो फिर ये अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं। भाई अभी साथ साथ आ रहे हैं ताकि ये जो कॉर्नर है साइड वाला इसको कटिंग करते जाएँ। माशाल्लाह जी चावल की फसल भी अभी जो है ना तकरीबन विद इन आई थिंक 1.5 महीने के अंदर अंदर जो रेडी हो जाएगी, अभी कुछ कुछ निकलना शुरू हो गई ये आप देख सकते हैं और कुछ भी जो है ना बाकी है। इसको भी काटना है
लेकिन अभी तो फ़िलहाल टाइम नहीं है, बाद में आके इसकी कटिंग करेंगे। और ये देखिए जी, ये ऊपर बिजली का खंभा है, और लेकिन ये अभी नीचे ही है, लेकिन इसको काट देंगे एहतियातन, ये ना हो कि कल को टच हो जाए। और जो ट्रांसफार्मर है अभी तो काफ़ी फ़र्क है, और दूसरी साइड में वो सामने ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, और उसके पटाखे जो है ना शुरू हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये कंप्लीट हो गया है, और अभी जो है ना डिस्को को उठाने लगे हैं, यहाँ पे चारा है ताकि ये ना ख़राब ना हो। भाई जो अभी बैक कर रहे हैं, पिने डाल दिए हैं, और अभी भाई उठाएंगे इसको। जिस ये थोड़ा पीछे है, इसको ये भी ज़्यादा पीछे हो गया, इसको बिल्कुल आगे की तरफ लेके जाना है, और फिर बाद में ये ऊपर जो पिन लगी हुई है ये पिन को अंदर डाल देंगे। अभी भाई इसको ऊपर उठाएंगे ताकि हमारा ये चारा ख़राब ना हो, और एक साइड से फिर इसको ना खेतों के एक साइड एक टायर अंदर रखेंगे और एक बाहर की तरफ, तो फिर यहाँ से निकलेंगे।